दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग शिवपुरी में, और शिवपुरी की जनता क्या कहती है चुनावी माहौल को लेके, कौन बनने वाला है विधायक, किसको मिलने वाला है आशीर्वाद, आइए चर्चा करते हैं। भैया क्या नाम? विशाल जाटव। जाटव जी हैं? हाँ जाटव जी। क्या स्थिति है? बस स्थिति बढ़िया है। तो बीजेपी आ रही फिर? फिर से बीजेपी सरकार? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, बीजेपी सरकार क्यों आई? अरे यार, तो मम्मा ने सब तो दिया था। तो मम्मा ने सब दे दिया, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं दिया ना, हम तो पढ़े लिखे बेरोजगार है ना। अच्छा, पढ़े लिखे बेरोजगार, असली विकास इन्हीं के संग है। और क्या, तो की को लेके आ रहा है फिर? बस कक्का जी को लेके आ रहे हैं। कक्का जी रोजगार दें? अरे रोजगार क्यों नहीं देंगे, तो बीजेपी सरकार नहीं दे पाई, कक्का जी अकेले दे दें। कक्का जी अकेले देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, उन्होंने 30 साल में पिछोर में दिया है। अच्छा, देंगे, उनका इंतजार कर रहे हैं और वो आएंगे। आज प्रदेश में की सरकार आ गई, प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे, दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। बिल्कुल 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 सर। कक्का जी अपने घर है काम करवाए, बाकी कहीं दूसरी नौकरी क्यों करवाएंगे? हमारे पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ ना। बड़ोरा में आप अंदर जाके देखो स्थिति, पानी की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लाइट की समस्या है, गली नाले की समस्या है। लाइट कटौती तो बहुत बढ़ गई, जो तो हम भी देख रहे हैं। लाइट तो बहुत खराब है, लाइट कटौती बहुत कट गई है। अच्छा अच्छा, जो कल जैन साहब आए थे प्रचार करवे, कैसे लगे तुम्हें? अच्छे लगे? नहीं है पता, हमें तो नहीं है पता उनके बारे में कुछ। देवेंद्र जैन को जाना तो ही हो तुम? नाम से जानते हैं। इनने देखे क्या? नहीं देखे तुम? वोट डालने के लिए जानने को देने? कांग्रेस, कांग्रेस को देने? अच्छा, कांग्रेस की लहर चल रही है तुम्हें अकेले? कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस की लहर है। और कांग्रेस पानी बहुत समस्या है गाँव में, और वो तो सब समस्या है। समस्या है, कोई सुनेगा नहीं, कोई समस्या है। चाहे वो जो राजे साहब थी तो वे जीत के चली जाती थी, लेकिन कोई नहीं आते हैं देखने के लिए। कक्का जी आएंगे, भरोसा है? कक्का जी आएंगे, कक्का जी आएंगे, कक्का जी आएंगे, कक्का जी, कक्का जी का काम। अच्छा, तुम लोग थोड़ी सी चूंकि पिछोर क्षेत्र में भी जात हुई हो तुम लोग, तोते की क्या स्थिति है? फिर प्रीतम लोधी जीत के आए? कुछ नहीं होना उनका, सिंह का कुछ नहीं होना है, दोनों ही रेलिंग होने उनका खेल बिगाड़ दिया, कुछ नहीं होना। कक्का जी उधर भी जीतेंगे और इधर भी जीतेंगे, दोनों साइड ही कक्का जी। करार खेरा में जो गुंडागिरी भाई, वो कहा है? कुछ नहीं हुई गुंडागिरी, एक माहौल बनाया उन लोगों ने कि कक्का जी की, अरविंद जी है वो जीत रहे हैं, इसलिए उसका माहौल खराब करो, कुछ ना कुछ की कक्का यहाँ से ना जीत पाए, ऐसा कुछ नहीं है। कक्का जी उधर से भी जीत रहा है और सीबरी से भी जीत रहा है। अच्छा हाँ, और बहुत बहुत वोटों से जीत रहा है। देवेंद्र जैन कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है। पैसा का चुनाव नहीं है जी, ये तो कक्का जी का, जब कक्का जी को चाहते हैं वही चुनाव है जी। भाई पिछोर में कक्का जी पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इधर भी नहीं है पैसा तो खर्च है, वो तो जनता। हम लोग एक गाँव में तो एक जन अकेले गए हैं, पैसा दो तो हम वोट दे, हम अपना विकास कराना चाहते। कक्का जी ने कहा हमें वोट नहीं जाना तुमसे। नहीं नहीं, तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कक्का जी की मदद करेंगे, तसला डाल के और कांग्रेस को जिंदाबाद करेंगे, उसको जिंदाबाद। ये बड़े बड़े समर्थक करने वाले हैं, करने वाले हैं। सुनाओ कहा है, वाह तुम भी इन्हीं जैसे बेरोजगार हो? बिल्कुल बेरोजगार हैं। तो कितने साल से बेरोजगार हो भैया? करीब हम 10-15 साल से। 15 साल से? और 15 साल से सुधरा जी बन के आ रही हैं, वो अपने जाती हैं और वोट लेके वो चली जाती हैं। सिंधिया जी तो आ रहे हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं। सिंधिया जी को देख लिया, सिंधिया जी महल में से नहीं निकलते। मुझसे पूछो नहीं, अभी 7 बार पिछोर घूम गए प्रचार में, इस पड़ोरा में 10 बार घूम गए सिंधिया जी, कह देते हैं झूठा आसपास दे देते हैं। एक बार हमने सिंधिया का ऐसा स्वागत किया कि हमने अपनी कथई तक पिछड़ाई उनके लिए स्वागत किया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन दूसरी सरकार में जब सरकार बैठा रहेगा दूसरी में चले जाएंगे, कल देख लेंगे। सिंधिया भरोसा खोद, नहीं सिंधिया का भरोसा खोद नहीं है, कोई विश्वास नहीं करता। हाँ, कक्का जी का विश्वास है, तन मन धन से हम अपना खुद का तसला डाल के और उनकी कांग्रेस को जिंदाबाद करेंगे। अच्छा हाँ, तो सिंधिया ने भरोसा छोड़ दो, लेकिन चुनाव लड़ भी तो वे तो वैसे से हमारा सांसद ही को भले लड़े हैं, जीत के जाने से फिर कक्का जी जब सांसद को चुनाव नहीं लड़े, भले लड़े कक्का जी लड़े, दूसरा सिंधिया से सांसद को चुनाव लड़े तो जीत के जाएंगे हार के जाएंगे? कौन? सिंधिया जी। सिंधिया जी तो हारेगा यहां से, फिर से कांग्रेस जीतेगी। राजनीतिक करियर खराब है सिंधिया को। दादा का हाल चाल है? हाल चाल हमारी कांग्रेस का है, बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, बहुत अच्छा माहौल है। तुम सब कांग्रेस ही हो? मतलब सब कांग्रेस ही है, टोटल प्रोग्राम जितने भी हैं, मुश्किल है कि 5% लोग जो है बीजेपी के हैं।
झंडा भयंकर लगे हुए थे, झंडा लगे रहा है लेकिन वोट जा रही है हमारी। क्या कर दो कक्काजू ने तुम्हारा? कक्काजू हमारे विकासशील महापुरुष है, काजू हमारे विकासशील महापुरुष हैं। उनने शुरू से ही विकास किया, 30 साल उनने विधायक और मंत्री बन गए, लेकिन उनने जो है अपना विकास नहीं छोड़ा, विकास सही किया, जामी किया। अच्छा, तो जो भरोसा है, भरोसा उनका तान और मान से पैसा जरूर हमने नहीं है, पैसा भाई साहब कमाएंगे और खाएंगे और उनके साथ रहेंगे। अच्छा, जैन साहब ने माल पानी नहीं, जैन साहब ने करोड़ों में कोई मतलब एक मिनट, मैंने पहले बचपन से मतलब लड़कपन आया मेरा जी जी। तो लड़कपन में मैंने 30 साल हाथी में BSP में खोया। अच्छा, और 10 साल मैंने BJP में खोया। मैं अपनी आत्मा से कह रहा हूँ, अब मैंने जो है कसौटी कस ली है और कमर कस लिया कि कांग्रेस में रहूंगा जब तक मेरा, आप कितने 10 साल या 15 साल कितने हो गए, आप 50 साल का तो हो गया। अच्छा, तो अभी तो 25-30 साल 25-30 साल 30 साल 35 साल राज मतलब जो है अपनी राजनीति करत हो गए, छोटी मोटी ज़्यादा बड़ी नहीं करी, लेकिन जो है मुझे BJP ने कुछ नहीं दिया, ना मेरे हाथी ने कुछ लिया, मुझे कक्काजू का विश्वास है वो देंगे या ना देंगे, मेरा तो अब अंतिम समय है, 20 साल और जूंगा तो। बहुत शानदार, लेकिन अच्छा ही करूंगा मैं। बहुत शानदार भैया, क्या कहेंगे कक्काजू को देंगे सपोर्ट और क्या करेंगे? क्या है कक्काजू की खास, कहते हैं कक्काजू की ये खासियत है, चोर में क्या भग गए चोर में भगे नहीं है वो, तो एक राज माने जे कमलनाथ जी ने निर्णय लिया कि मुझे 6 बार यहाँ जीते पिछोर विधानसभा से, अब सीपरी में आ रही थी राजे साहब लड़ने के लिए, तो राजे साहब का माहौल स्वस्थ खराब हो गया क्योंकि कक्काजू का मन मार सुना, नाम सुनते नहीं उनका स्वस्थ खराब हो गया इसलिए भी माने कमलनाथ ने माने सीपरी के भतीजे तो आ रहा था लड़ने, अरे ना भतीजे तो भी तरबदल हैं मतलब यदि एक माह में होते भी तो कांग्रेस सरकार ही, कांग्रेस सरकार में रहते ना, उनने क्या काम किया, कांग्रेस को पटक दी, उनने जाके ही के हम आई नहीं सुनी, हमने सड़क पे लेता हम हवाई जहाज, उनने भी तो जनता की नहीं सुनी ना, उनने कौन सा काम करवाया, मेल घराना उनने का कमी है क्या, मैंने कहा सुनने तो बे तो अपने घर से भी देश तक दो दे देती हां तो गद्दार रहे हैं, अरे बहुत गद्दारी करी, एक से एक गद्दारी करी, हम लोग तो यूपी वाय झांसी वाय कहते हैं गद्दार है, तुम लोग भी कह लगे यार, अरे मतलब गद्दार सिर्फ से झांसी रानी के लिए वो से हम जगह नहीं दी थी, हाल होता था झांसी रानी उसी के कारण हमारी, वो अच्छे काम करते तो हमारे गांव का ऐसा हाल होता, अंदर जाके देखो आप गांव की स्थिति क्या है, जनता के सामने छलावा हो रहा है, स्थिति देखो आप, महाराज पीने के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं हम लोग, सफर नहीं पा रहे, कपड़ा नहीं धो पा रहे, जरा राज में बताओ पानी के लिए अभी व्यवस्था ऐसी खराब चल रही है, मैं क्या बताऊं, बच्चे लोग पढ़वे व्यवस्था नहीं है, कोई मास्टर भी नहीं आ रहा है, बड़े बड़े पैसे वाले अपने पिछोर पढ़ा रहे हैं, सीपरी पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े विदेशन में पढ़ा रहे हैं, हम गरीब लोग क्या करें हैं, क्या व्यवस्था कर दी जाए सरकार में। सिंधिया जी सुन लो, तरक मनक जा, तुम्हारी जनता है जी, जो तुम महाराज कथफरत तुम्हारे लाए, हम लोग तो खैर भूलेंगे कि तुम महाराज हो के कहा हो, लेकिन जो तुम्हारे लाए महाराज मानत हैं, और जब से बाबा साहब के संविधान के बाद हम लोग तो उन्हीं को सबसे ज्यादा मानत, बाकी को नहीं मानत। अरे सर 3 साल से तो बच्चों का 1 से लगा के 8 तक तो बच्चों को वजीफा नहीं मिला है यहाँ पे, 3 साल से मैं लगातार, मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, अभी तक उनको जो सरकार सांसद मिलती है वजीफा, उसके नाम से कोई वजीफा नहीं मिला, सिर्फ इतने सालन से सांसद बनाता आई क्षेत्र सिंधिया, इसके बाद भी जा स्थिति है, हाँ स्थिति है, स्थिति है थोड़ी है, कोई आकर देखे चले जाते हैं, सिंधिया तो आलू गरीबों से गरीब है, सिंधिया है ना जो वो हम लोगों से भी गरीब है, मान के चलिए हम तो तसला डार के मजदूरी करके पेट भरे ही रहे, लेकिन वो तो एक महल में रहने से भी आज उसके मतलब क्षेत्र की जो व्यवस्था है कि कोई काना नहीं दिया जाता, सिंधिया जैसा तो आदमी हम शकल देखना पसंद नहीं करते, मैं अशोक जाटव ग्राम पड़ोरा से बोल रहा हूँ कांग्रेसी, भैया तुम्हारी परेशानी ज्यादा कर रही है, ज्यादा कर रही परेशानी, तो सिंधिया तो सिंधिया के बारे में लोग बोल रहे थे KP सिंह इतना सब प्रत्याशी बने, तो एक आशा जगी है लोगों के अंदर कि जो हमारी छोटी छोटी समस्या है उनको निदान KP सिंह करा लो, KP सिंह को जो कार्य करवे को पैटर्न है वो में जो चीज़ तो है कि समस्या जो है तो उनको निदान करावे में सक्षम है, चाहे कैसे करावे लेकिन करा ले जा, तो एक आशा जगी छोटी छोटी चीजें, क्योंकि बड़े बड़े नेता तो सड़क पे आवे के बाद हेलीकॉप्टर में घूम रहे, हवाई जहाज में घूम रहे, ये आखिरी बार मैं कछु बोलना चाहो कितने से जीत रहे KP सिंह? KP सिंह का काजू कम से कम 40-50 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं, पिछोर में पिछोर से ही 50 हज़ार प्लस है, 50 हज़ार अरविंद लोधी, हाँ अरविंद लोधी 50 हज़ार प्लस, भैया लोधी वोट बैंक पूरा प्रीतम लोधी के संग है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए है, वो भी लोधी है, वो स्थानीय लोधी है, पढ़ा लिखा लोधी है, और तुम्हारे जैसी लोधी है वो पढ़ा लिखा है, युवा भी है, युवा भी है,
जहाँ कक्काजू का पसीना टपकेगा जहाँ हम खून बहा देंगे। अरे अंकल वो तो चप्पल जोश है जोश जोश है जोश। नमस्कार।